बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चल गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था, यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता की मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझे आपके जैसे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना ले जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य है आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे।